हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी राजपूत, मेरी वाइफ मानसी राजपूत और रूप राजपूत। तो हमें ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो कमेंट क्या आ रहे थे कि आप अपनी मैरिज की स्टोरी बताओ, अपना बैकग्राउंड बताओ, कैसे दो शादियां हुई, कैसे तुम दोनों रिलेशन में आओ, तीनों का कैसे तीन बंदों की यहाँ एक फैमिली बनी। तो आज सबसे पहले आज एक बंदे ने ना हमें रोस्टिंग वीडियो बनाई है हमारे हमारे ऊपर, ठीक है। और क्या नाम है, नगीना सेठ नगीना सेठी है कोई, तो उसने मेरे बारे में बोला ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, दिखने में ऐसा है दिखने में वैसा है। तो मैंने उसको देखा, थोड़ा सा ही देखा, तो मैं देखा यार खुद तो बैंगन जैसा उसका मुंह है, और उसकी नाक जो बैंगन की डंडी नहीं होती लाइक, कुछ इस टाइप की थी। चलो एक वो हो गया, तो चलो मेन मुद्दे भी आते हैं। तो हमारी जो स्टोरी है अब शुरू करते हैं, इसमें कुछ चीजें हम मिस कर रहे हैं वो भी बताएंगे। रीजन अब मिस करने का क्या है, रीजन ये है कि अगर हमने आज सब कुछ बता दिया ना, तो इस पे बहुत बड़ा इशू हो सकता है हमारी फैमिलीज में, हमारे घर में, हमारे रिलेटिव्स में, तो बहुत सारी चीजों में इशू हो सकता है। तो जो हो सकता है जितना हम बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे आपको समझ आ जाएगा। आपको बस शुरू से ही बताता हूँ, मेरा जैसे आप सबको पता है मेरी फर्स्ट वाइफ है रूप, मानसी से अभी 2022 में आई है। तो क्या हुआ कि जब 8 साल से मैं रिलेशन में हूँ रूप के साथ, 8 साल से हम रिलेशन में है, 8-9 साल से रिलेशन में था स्कूल टाइम से। उसके बाद हम पहुंचे कॉलेज में, ठीक है, रिलेशन चलता रहा, हम कॉलेज में पहुंच गए। तो कॉलेज के बाद क्या हुआ कि हमने डिसाइड किया कि कॉलेज खत्म होने वाला है, तो हम क्यों अब शादी का प्लान करते हैं। तो जब शादी का प्लान किया तो घर वालों से बात करनी थी, घर वालों से की हमने बात कि ऐसा ऐसा है, मैं रूप से प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करना चाहता हूँ। फिर इसने भी अपने घर में बात की। प्रॉब्लम कहाँ आई, जो हर कपल में आती है, जो हर रिलेशन में आती है, रिलीजन, जो जाति की, धर्म, हमारा कास्ट, कास्ट की वो प्रॉब्लम अलग सबसे अलग ज्यादा। था, ठीक है। तो उस पे प्रॉब्लम आ गई सबसे बड़ी। तो फैमिली को बहुत मनाया हमने, बहुत मनाया, नहीं मानी, हमने पूरा जोर लगा लिया जितना हो सका, लेकिन फैमिली नहीं मानी। लेकिन हम आज विलन बन चुके, हम विलन नहीं थे एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम फैमिली की बात को मानने वाले लोग थे, लेकिन वक्त होता है ना, तो क्या होता है कि कभी कभार वक्त घूम जाता है, क्या क्या से क्या बना देता है, बंदे को पता नहीं चलता यार। वो चीज़ हमारे साथ हुई है। तो मैंने अपने घर पे सब बता दिया था। जब फिर मैंने रूप से डिस्कशन किया कि यार फैमिली तो मान नहीं रही, अब क्या किया जाए यार, है ना। तो फिर रूप ने बोला कि आप बताओ। तो फिर मैंने कहा हम पीछे हट जाते हैं यार, हमारी किस्मत में शायद ये है कि एक होना लिखा ही नहीं था। तो हमने फिर वही फैसला किया कि ठीक है कोशिश करते हैं, अगर एक दूसरे से बिना हम रह पाते हैं तो रहे। हम बहुत रोता ही रहता था, मैं भी, मुझसे ज़्यादा ये रोती रहती थी, लेकिन मैं टाइम निकला निकला। तो एक दिन क्या हुआ कि कॉलेज में मानसी को देखा मैंने लाइक, है ना, तो इससे थोड़ी सी दोस्ती बनी, कुछ टाइम निकल गया दोस्ती में, निकला निकला। तो मैंने मानसी को भी बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो ऐसे ऐसे हम शादी करना चाहते थे, तो कास्ट की प्रॉब्लम आ गई उसमें ज्यादा मेनली। तो फिर मैंने मानसी को टोटली सारा बता दिया था। तो मानसी ने उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हम रिलेशन में आ गए, तो एक दूसरे को प्रपोज किया, रिलेशन में आ गए। तो मैंने मानसी को बोला कि अब ज़्यादा टाइम नहीं निकालना यार, पहले भी मैंने 8 साल निकाल दिया, अब हमने सीधा शादी करनी है यार। तो इसने अपने घर बात की, मैंने अपने घर बात की, मेरे घर घर के भी मान गए, मेरे घर वाले पहले भी मान गए थे लेकिन इसके नहीं माने थे, तो चलो मानसी के घर वाले भी मान गए। तो उसके बाद क्या किया हमने, व्हाट्सएप फेसबुक पे दोनों ने पिक्स वगैरह लगानी शुरू कर दी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे, आया था, मानसी भी आई थी, रूप भी आ रखी थी, सेम कॉलेज था। तो कॉलेज में क्या हुआ कि जो कुछ ऐसा हुआ कि झगड़ा हो गया, एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, उस झगड़े में पुलिस भी आ गई, पुलिस भी आई उस झगड़े में, इसके पेरेंट्स आए, मेरे पेरेंट्स आए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि पुलिस वाले मुझे और इसे लेकर वहां से कॉलेज में से चले गए, और मानसी भी वहां खड़ी देखती रहेगी। तो हम वहां से निकले और हमारी कोर्ट मैरिज हो गई। कोर्ट मैरिज हो गई तो इसकी फैमिली भी एंगेज हो गई थी, सब कुछ ठीक था जो भी था। जब हमारी, अब आप बोलोगे कि कोर्ट झगड़ा क्या हुआ था, ये झगड़ा हम थोड़ा सा, हमने बोला था ना शुरू में भी कुछ चीजें हम पॉज करेंगे, हमें पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये बता देंगे ना तो शायद आज ही हमारा ये लगा लो कि फैमिली इशू हो फैमिली सकता इश्यूज है, हो जाएंगे। कोई झगड़ा हाँ, हो हम सकता इसलिए है। नहीं बता सकते अभी। हाँ, हाँ ये बताएंगे जरूर आपको, जैसे जैसे टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे नहीं, ये भी। वैसे हमने प्लान कर रखा है 1 मई को हम हाँ वीडियो में टोटली एक एक पॉइंट बताएंगे। तो अभी कुछ हाँ पॉइंट हमें मिस करने पड़ रहे हैं, लेकिन आज वीडियो तभी बना दी क्योंकि आप लोगों के बहुत बहुत पर्सनली ज्यादा मैसेज था। और कमेंट आ रहे थे। वो जैसे रोस्टर भी है, वो बोल रहा था अरे रीजन बताएंगे, रीजन था, कोई रीजन था, क्या रीजन था,
तो थोड़ा सा हम बता रहे हैं इसी कारण कि चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं, खुश तो बेटा तो इससे भी नहीं होगा, चलो फिर भी ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि चलो हमारी शादी होगी, नाम नहीं ले सकता कैसे क्या शादी हो, बंदों के नाम अभी नहीं ले सकता, लेकिन उनसे बात कर रखी है मैंने कि मैंने ना यार वीडियो बनानी है, ये चल रहा है थोड़ा सा हमारे बीच से, कोई रिलेटिव दोस्त मित्र उनके पास मैसेज लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमने वीडियो बनानी है, तो चलो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन बनाएंगे तो जरूर हम, अभी अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना अब जो हमारी सिचुएशन फेस नहीं कर सकते उसको, है ना, इसी कारण नहीं बना रहे। चलो आगे चलते हैं स्टोरी पे। तो मेरी रूप से होगी शादी, ठीक है, तो शादी हुई मानसी से, फिर मैंने बात की कि यार अब तो शादी होगी, फिर मानसी ने भी कहा ठीक है यार अब तो तुम लोगों ने किस्मत में शायद मान रूप थी तेरी और उसकी किस्मत में मैं था, तो इसने भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हमने फिर उस वक्त ट्राई किया यार, ना ये रह पा रही थी ना मैं रह पा रहा था, तो मैंने रूप को भी सारा बता दिया कि तेरे बाद हमने ऐसे 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 हो गया। तो उसके बाद रूप ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं यार अब तो बोलना पड़ेगा ये वो वगैरह वगैरह। तो उसके बाद सिचुएशन हमने कोशिश की, एक साल निकला, दो साल निकला, बेबी भी कर लिया कि यार शायद बेबी से हम चेंज हो जाएं, लेकिन नहीं हो पा रहे थे चेंज। अब लोग बोलेंगे कि दो बार शायद प्यार होता ही नहीं है, मुझे तो हुआ है। अब मैं बोल दूं, मान लो आए क्या होता है कि एक लड़की लड़के से प्यार हो जाता है हमें, है ना, प्यार हो जाने के बाद क्या होता है कि फैमिली नहीं मानती, तो किसी कारण जब बहुत सारे रीजंस के कारण हमारे अपने प्यार से शादी नहीं हो पाती और शादी कहीं और हो जाती है, जब किसी और से शादी होती है तो वहां भी आगे फैमिली बन जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो हमें अपने मान लो एक लड़की की शादी कहीं और होगी, तो उस लड़की पहले किसी से प्यार करती थी, अब जिससे शादी हुई बच्चे हुए अब उससे प्यार हो गया, तो हो गया दो बार प्यार। ये सिर्फ कहने में, अगर मेरी वाइफ दोनों साथ रह रही है तो आप कमेंट कर रहे हो कि ये दो बार प्यार कैसे होगा यार, दो बार प्यार तो होता नहीं है, अगर सिचुएशन के हिसाब से कर ले तो फिर दो बार प्यार हो सकता है कि हाँ चलो उसका वो छूट गया, मैं दूसरी बार प्यार हस्बैंड से करूंगा या दूसरी बार प्यार अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, अब जिससे शादी की अब उससे प्यार करूंगा। अब भगवान अगर किसी का कोई वाइफ या हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, दूसरी शादी करता है तो उससे प्यार हो जाता है। प्यार तो देखो बाकी आपकी मर्जी है, मुझे तो दो बार जो समझना समझे, मुझे दो बार प्यार हुआ है। उसके बाद चलो जी टाइम बीता, फिर रूप को भी पता चल गया कि यार ये नहीं समझ रहा यार, है ना, सॉरी किसी का ना फोन आ गया था बीच में, आप तो माइक बंद हो गया था क्योंकि फोन में चल रहा है। तो उसके बाद जैसे बोला कि मेरा मानसी से फोन पे मैं बातें करता रहता था, ना ये छोड़ पा रही थी ना मैं, बेबी भी प्लान कर लिया था, हमारा बेबी भी हो गया था, फिर मैंने रूप को भी बताया कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर ये सारा दिन मतलब टेंशन में रहते थे, मेरे को मतलब इनकी ये हालत मेरे से नहीं देखी जाती थी, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी इनको, इसलिए मैं इस चीज के लिए एग्री हुई थी। तो ये भी मुझे बहुत प्यार करती थी यार, तो ये बोलती थी कि यार तू टेंशन में आप रहते हो, मुझे यार वो चीज नहीं है। तो फिर इसने मुझे एक सवाल पूछा कि अगर आप मानसी से शादी करना चाहते हो, मानसी के पास चले जाओगे तो फिर मुझे छोड़ोगे क्या करोगे। मैं कहा यार अगर छोड़ना ही होता तो मैं भाग जाता मानसी के साथ, अभी भाग जाऊं उसके बाद मैं वापिस ही ना आऊं, मैं तेरे बिन भी नहीं रह सकता, साफ सी बात है, मैं तेरे को भी प्यार करता हूँ। ये कहती कि चलो यार ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा कि आप मुझसे तो प्यार मुझे भी करती हो, मुझे भी साहब, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लो यार, तो इससे अच्छा कि मैं आपसे दूर जाऊं, इससे अच्छा कि आप सारी जिंदगी परेशान रहो, इससे अच्छा मानसी भी परेशान रहे, अगर मानसी कहीं और शादी होगी उसके बाद और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो मैं एग्री हूँ, कोई बात नहीं, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। तो मुझे इसने ये बात की, तो मुझे तो जो इसने मेरे लिए किया मैं इसका एहसान तो देखो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। फिर मैंने मानसी से बात की कि रूप ऐसे ऐसे मान रही है तो बता, तो क्या तू क्या चाहती है, तू रूप साथ रह सकती है, मेरा बेबी भी है। तो इसने बोला कि हाँ यार अगर रूप हमारे लिए इतना बड़ा स्टेप ले रही है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ, मैं भी रूप के साथ रहूंगी, अगर रूप मेरे लिए इतना स्टेप ले रही है तो रूप मेरे लिए बहुत खुश है, मैं रहूंगी उसके साथ, मैं खुश हूँ। तो उसके बाद मुझे टेंशन तो थी कि मैं यार उसे ले आऊंगा, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, ये दोनों रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी, तो मैंने ले लिया स्टेप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया, इसकी फैमिली ने भी इसे छोड़ दी, हमने बहुत सारा बहुत उसके बाद चलो हुआ है, देखो ये तो होना था, ठीक है, हमें भी पता था कि ये प्रॉब्लम फेस करेंगे हम। उसके बाद जो असली फेस किया, हमारे पास उस वक्त पैसा था, हमने फ्लैट ले लिया, एक फ्लैट में रहने लग गए हम, ठीक है। तो क्या हुआ जब ओनर को पता लगा कि इसकी दो बीवियां वगैरह हमने नहीं हाइड रखा था, तो उसने जब पता लगा उसने कहा भाई निकलो यहाँ से, चलो उस वक्त भी थोड़ा बहुत पैसा था हमने छोड़ दिया वो भी, तो बताया क्या था हमारे कोई रिलेटिव थे जो बता देते थे कि भाई इसकी ये शादियां वो पहुंचा देते थे उन्हें तक बात। तो उसके बाद हमने दूसरा फ्लैट किया, तो दूसरे फ्लैट में पुलिस का ही लफड़ा पड़ गया, एक पुलिस आई, हम चार पांच दिन इतना परेशान हुए, ये बात भी थोड़ी हाइड, ये भी प्रॉपर बताएंगे, हाँ जो रोस्टिंग करते शायद उनके लिए मैं थोड़ा सा फेंक दो, बेचारे उनके व्यू आ जाए। तो क्या हुआ कि उसके बाद जब ये बात हुई, पांच छह दिन मैं पुलिस
से परेशान होते रहे हम, होते रहे वहां से निकले हम, ठीक है, क्योंकि केस तो आप बनता ही नहीं था, कोई अपनी मर्जी से रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वहां से निकले, वो टाइम था जो हमने गाड़ियों में निकाला था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वहां पुलिस से हम निकले तो ओनर के पास बात चली गई, तो ओनर ने बोला कि यार मेरे घर तो पुलिस आने लगी, भाई छोड़ तू भी मेरा फ्लैट, दूसरे ओनर ने भी आउट कर दिया, तब था नहीं पैसा। और उसके बाद तो हम बिल्कुल कंगाल हो गए, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि पैसा उस वक्त नहीं था। उस वक्त हमने फिर गाड़ियों में कुछ टाइम निकाला, तो मुझे बड़ा फील होता है यार क्या होगा लाइफ का, यार ये मेरे बच्ची भी है, ये वो वगैरह, बड़ी टेंशन हो गई थी। चलो ठीक है, वो भी टाइम निकाला, थोड़ा थोड़ा निकला पैसा, इधर उधर से किया, तीसरा फ्लैट लिया। फ्लैट लेने के बाद भी हमें पता चल रहा था कि जो हमारे लोग पीछे, हमारे रिलेटिव या जो लोग लगे हैं, वो फिर से कोशिश कर रहे हैं मुझे दबाने की या कुछ करने की। तो मैंने परेशान होकर वीडियो बना दी एक यूट्यूब पे बनाई, और बकायदा उस वीडियो में भी बोला मैंने कि ये हमने तो वैसी ही वीडियो बनाई। वो वीडियो चल गई, उसका यार 16-17-18 हज़ार व्यू आ गए पहली वीडियो को फर्स्ट नाइट में। तो एक होता है ना यार कि यार व्यू आ रहे तो क्यों ना हम बना ही ले, फिर तो हम बनाने लग गए। इसी तरह हम यूट्यूब पे आ गए, फिर हमारी एंट्री होगी यूट्यूब पे। तो उसके बाद लोग बोलेंगे अरमान मलिक को देख के या किसी को, अब मेरी शादी को सेकेंड को हो चुके थे 8 मंथ, 7 मंथ कुछ नहीं डाला मैंने, ये 8th मंथ में आके मैंने ये डालना शुरू किया। 7 मंथ में मुझे अरमान मलिक नहीं दिखा था क्या, क्या मैं उसे नहीं जानता था, पता था कि उसने भी कर रखी है। लेकिन जब ये वीडियो चली, हमने अपने वीडियो का रिस्पांस देख कर आया, आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा, रिस्पांस दिया तो हम आ गए। इंस्टाग्राम पे मैंने फर्स्ट रील डाली, सेकंड रील डाली, थर्ड डाली, नहीं चली, फोर्थ डाली ना, 1 मिलियन व्यू आए, आप चेक करो। तो भाई आप लोगों ने प्यार दिया तो वहां भी डालने लग गए। फेसबुक पे गए, सिर्फ 15 दिन में 2 लाख पार कर गए हमें फॉलोअर्स, तो वहां से भी हमें प्यार मिला। तो साफ सी बात है, जब आप लोगों का प्यार मिलने लग गया दोस्तों, यार साहब, और दूसरा बोलते हो कि सोसाइटी में ये होता वो होता, भाई सोसाइटी खराब कर रहे हो, हम किसी को नहीं बोल रहे कि 2 शादियां करो, मैं किसी को नहीं बोलता। अगर आप सोच रहे हो ना कि 2 शादियां करके यूट्यूब पे आ जाते हैं, भाई मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 2 शादियां और यूट्यूब पे भी है, 4 साल, 1-1 साल, 2-2 साल, 4-4 महीने, 5 महीने, राजस्थान, इधर उधर, मेरी बात भी होती है उन लोगों से, लेकिन वो कह रहे हम नहीं चल पा रहे। रीजन क्या है यार चलने का, एक बात बता दूं मैं आपको, एक और मेरी इंस्टाग्राम पे मैं क्यों चलाऊं, जो मैंने वीडियोस डाली है ना, वो वीडियोस में कॉमेडी है सीरी, आप जाके चेक करो, कंटेंट हमने डिफरेंट कंटेंट किया कि आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो, सिर्फ मैं 2 वाइफ को यूज ना करूं, एंटरटेनमेंट करूं आप लोगों का। चलो छोड़ो वो सारी बातें, आप लोगों को स्टोरी बतानी थी मेनली, आज आपको ये स्टोरी मैंने बताई है, ये हमारी मेनली स्टोरी थी, ऐसे ऐसी मेरी 2 शादियां, इसके बीच में जो बातें रह गई, इतनी सारी हजारों बातों रह चुकी है, इसलिए हम बोल रहे थे कि हम पार्ट्स में बनाएंगे, जो बातें हजारों बातें हमारी रह चुकी है और रह चुकी है, वो हम बस इस कारण नहीं बना पा रहे क्योंकि अगर आज डाल दी ना तो मेरे पे आ जाएगी प्रॉब्लम्स बहुत सारी, जो मैं अभी फेस नहीं कर पाऊंगा अभी, तो वो इश्यूज के कारण हमने थोड़ा सा पॉज कर रहा है उन बातों को, लेकिन 1 से 1.5 मंथ में या 2 मंथ में बताऊंगा। और जब वो वीडियो आप देखोगे तो आपको सीरियसली यार, जब मेरी स्टोरी चल रही होगी ना, आपका वीडियो पॉज करने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक पॉइंट बताऊंगा मे भी 1 मई को। तो आप प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब, तो जैसे ही जो बाकी और लोग हमारे बहुत सारे बने हुए हैं, हमारा 20,000 के पास फॉलोअर्स पहुंच चुके हैं तकरीबन, तो आप जल्दी जल्दी, शायद मैं ये वीडियो डालूं तो 20,000 प्लस भी हो चुके होंगे, तो आप प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग आ चुके हैं और बहुत अच्छे लोग इन फ्यूचर, क्योंकि पीछे हमने क्वालिटी यूज नहीं कर पाए, लेकिन इन फ्यूचर हम अपना सामान बढ़ा रहे हैं, लाइटिंग बढ़ा रहे हैं, सब कुछ बढ़ा रहे हैं, बंदे दोस्त टीम जुड़ रही है, आपको बेस्ट क्वालिटी में एंटरटेनमेंट करेंगे। हमारा मेन पर्पस यही है कि आपका एंटरटेनमेंट भी हो हमारी वीडियो से। जैसे आप हमें बेस्ट रिस्पांस दे रहे हो, अब तक दिया भी है अच्छा, वैसे हम भी आप लोगों को आगे आके बेस्ट ही देंगे। और आप सबका थैंक यू, दिल से थैंक यू, ये हमारी स्टोरी है, ये दोनों मेरी वाइफ और मैं अपनी दोनों वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ, ये दोनों मेरे को करती है, हमारा रिलेशन तो भाई अच्छा चल रहा है, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। अब जो ज्ञानियों ने, जो समझदार लोगों ने, जो यहाँ पे विद्वान बैठे, आप जो कमेंट करना चाहो आप कर सकते हैं। ना ही हमारे में ऐसा हुआ है कि मेरे को किसी ने कुछ बोला हो और मैं अपने पति को छोड़ के अपने बच्चे को लेके किसी और आदमी के पास चली गई, मैंने जिससे शादी की मैं उसी के साथ ही रह रही हूँ। ना ही हमारे बीच में कोई ऐसी लड़ाई या कुछ भी ऐसा हुआ कि हमारा पति छत पे जाके सुसाइड की नौटंकी कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे को सच पहले ही बता दिया था, हम में सारी बातें पहले ही क्लियर है। जो लोग कमेंट करते हैं कि मतलब हमें बुरे बुरे कमेंट भी करते हैं, गलत गलत कमेंट भी करते हैं, उनको भी हम ये बात बता दें कि हमारे बीच में लड़ाई होती नहीं, तो हम क्या शो करें आप लोगों को। आप बोलते हो कृतिका पायल का कॉपी कर रहे हैं, हम लोग उनकी तरह वीडियो बनाते हैं, हम क्यों बनाएंगे यार। मतलब हाँ, जो हमारा इंस्टाग्राम पे हमारी वीडियोज आती है वो तो यार होता ही है, अब दो औरतें जहाँ वहां थोड़ी बहुत जलसी तो होती है,
बाकी इतना बड़ा कोई झगड़ा नहीं हुआ कि ये किसी और के पास गई हो बैग उठा के। वो जेलेसी नहीं कह सकते, वो जेलेसी नहीं कह सकते। एक्चुअली हम आप लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए ना हम वो चीज बनाते हैं, सिर्फ आप लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए, कि आप लोग अगर आप लोग खुश हो गए तभी आप हमारी वीडियो देखने आओगे बार बार। और यही तो है यार, जो है वो सामने है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।